जी सर, देखो ये अगर हमारे पास क्वेश्चन था तो बेटे सिंपल क्वेश्चन था आपको, टेबल बेस्ड एक्सरसाइज 8.2 बेस्ड। हमारे पास क्या है, हमारे पास है अंडर रूट 3 - tan 2θ - 3 इज इक्वल टू 0, और आपसे कह रहा है कि थीटा बताओ। तो इसमें जो आपको नजर आ रहा है, जो आप कर सकते हो वो करो। क्या कर सकते हो भाई, अंडर रूट 3 tan 2θ। इस 3 को बेटे इधर ले जाओ भाई। अगर थीटा निकालना है तो फिर टेन को एक साइड रखना है, बाकी सबको एक साइड ले जाने की कोशिश करना है। तो इसमें तो आराम से जा रहा है, सबको हम सेम साइड कर सकते हैं। तो tan 2θ इज इक्वल टू 3/√3। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा 3/√3 क्या होता है? सर रैशनलाइज कर लेंगे, √3 आएगा। रूट रैशनलाइज करेंगे तो सिंपली √3 आएगा भाई। √3 से कैंसिल ही कर दो, क्या रैशनलाइज करो, तो इतना तो सीख गए होंगे। तो आपके पास आ जाएगा √3। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा टेन के फॉर्मूले में या टेन के उसमें रेशो में √3 कब होता है? टेन सिक्सटी। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। नहीं बच्चे कुछ पढ़ने लगे, अच्छी बात। अब अगर आपने ये कर लिया तो एंगल क्या आ गया बेटे? वो थीटा बेटे 60 आ गया। यस और नो? व्हाट इज थीटा? थीटा इज इक्वल टू 30°। ये आंसर है, ठीक है सर। इतना सा करना था। तो इसमें हमेशा ध्यान रखो बेटे, जब भी एंगल चाहिए तो बाकी सबको सेम साइड लाने की कोशिश करो। और बता